नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल एनालिसिस में। तो ये सेकंड पार्ट है, तो आई होप फर्स्ट पार्ट को आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये सेकंड पार्ट है, तो इस पार्ट में हम जो एडिटोरियल एनालिसिस हैं आज की डेट का, उसको फिनिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट आर्टिकल है। तो फर्स्ट आर्टिकल है, ये है जो COVID-19 का स्प्रेड है और दूसरा जो इकॉनमी को अनलॉक करना है, इन दोनों के बारे में है। सो इकॉनमी को अनलॉक करना है, उसमें उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। अगर हम कोई भी इंडस्ट्री ओपन करते हैं, कोई ऑफिस ओपन करते हैं, कोई एजुकेशन सेक्टर ओपन करते हैं, कोई भी वर्क प्लेस ओपन करते हैं, तो इनको ओपन करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, किस तरीके से हम जो है इन वर्क प्लेसेस को ओपन कर सकते हैं और इकॉनमी को जो है रिवाइवल कर सकते हैं। तो इसी इन्हीं सब बातों के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन की गई है। तो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में जो ऑथर बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जैसे इंडिया में कोविड 19 के चलते अभी अनलॉक शुरू हैं, अभी अनलॉक 3 शुरू हुआ है अगस्त महीने में, तो इंडिया को अब सोचना चाहिए कि जो उसके वर्कर्स हैं जो कोविड 19 के चलते जो घरों में बैठे हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह अपने होम टाउन माइग्रेट करके हैं, उनको वापस लाया जाए, इंडस्ट्रीज़ को दोबारा से शुरू किया जाए और उनकी जो सेफ्टी है वर्क प्लेस के ऊपर, उसको भी ध्यान में रखा जाए। तो यहाँ पर एक बात बोली गई है कि जो कोरोना वायरस है वो स्प्रेड हो रहा है, जो भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होती हैं, जैसे हम खांसते हैं या छींकते हैं, इन सब की वजह से जो है स्प्रेड हो रहा है कोविड 19। तो ये स्प्रेड हो रहा है चाहे जिसमें से सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, चाहे जिसमें से सिम्टम्स नहीं नज़र आ रहे हैं, इन दोनों कैटेगरीज के लोगों की तरफ से ये चीज़ जो है स्प्रेड हो रही है। सो देखो, अभी तक जो है WHO अभी तक पूरी क्लैरिटी के साथ ये नहीं बता पाया है कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। जितने सिम्टम्स उनको नज़र आते हैं वो पब्लिकली बोल देते हैं कि इतने ज़्यादा सिम्टम्स जो हैं नज़र आ रहे हैं, कोविड 19 कैसे फैलता है, वो कैसे फैल रहा है। तो बहुत से केसेस ऐसे भी देखने को मिले हैं कि सिम्टम्स कोई नहीं नज़र आया, ठीक है, या फिर जिस बच्चे को या जिस लड़के को, यंग बॉय को अगर कोविड 19 हुआ है उसको पता नहीं चल पाया, लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा, अपने पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट में आया तो उनको कोरोना वायरस हो गया। तो इसकी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़का था, ऐसा ही इटली से आया था जब कोविड 19 अपने पीक पे था, तो वहाँ पर सिचुएशन अच्छी नहीं थी इटली में, तो वो लड़का जो था अपने घर पे आ गया इंडिया में। तो जब वो घर पहुँचा, जब उसका एयरपोर्ट पे टेस्ट हुआ, तो टेस्ट उसका जो रिपोर्ट आई बिल्कुल सही थी, उसको कोविड 19 नहीं था। लेकिन जब वो घर पहुँचा, उसकी मदर को हो गया उससे, और उसकी मदर से उसका जो आसपास की कॉलोनी थी और जो शहर था वहाँ पर फैल गया। तो कहने का मतलब है, चाहे सिम्टम्स नज़र आएँ चाहे नहीं आएँ, दोनों हालातों में जो है ये फैल रहा है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इससे बचा जाए ज़्यादा से ज़्यादा। गवर्नमेंट ने जो हमें हदायतें दी हैं उनका हम पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग है, हम मास्क लगा के चलें। तो इन चीज़ों के ऊपर आगे बात की गई है कि जैसे 6 फीट का अगर हम बात करें, डिस्टेंस बनाने की बात की गई है सरकार की तरफ से, तो इंडिविजुअल्स का, तो इसको फोकस करना चाहिए कि अगर हम वर्क प्लेसेस ओपन करते हैं तो वहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन बने। जो मास्क की बात की गई है कि N95 मास्क है, इसको पहनना चाहिए, ये मास्क जो है अच्छा है, मास्क जो है हमें प्रोटेक्ट करेगा कि किसी भी तरह के इन्फेक्शन या वायरस की चपेट में हम ना आएं। तो जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो भी जो N95 मास्क है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो एक तरह की जो है आपको यूनिवर्सल प्रोटेक्शन देगा। सो आगे बात की गई है कि जो दूसरी, अगर हम बात करें कोविड 19 के ट्रांसमिशन के बारे में, तो अगर हम टच करते हैं किसी भी चीज़ को तो उससे भी ये फैल सकता है। अब देखिए, हमें थोड़ा सा सतर्क होकर चलना पड़ेगा। हम जब भी कहीं पर भी अगर हम विजिट कर रहे हैं, चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिस है या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर नॉर्मली हम जहाँ पर टच करते हैं तो उस चीज़ों को हमें अवॉइड करना होगा, ध्यान में रखना होगा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है टच ना करें। नॉर्मली जैसे हम कोई किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, तो स्टेयर्स में चढ़ते हैं तो रेलिंग्स है उसको हम हाथ लगाते हैं,
टच करते हैं, जैसे लिफ्ट पे चढ़ते हैं लिफ्ट बटन्स को हम टच करते हैं, ओके, जो दरवाज़ा खोलना है तो उसका जो नॉब है उसको पकड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो मशीनरी यूज़ करते हैं उसको भी हमें टच करना पड़ता है। तो ये सब जो हैं ये हॉटस्पॉट्स होते हैं किसी भी, अगर हम स्प्रेड की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग। और अगर बात की गई जैसे कंट्रोल पैनल्स होते हैं, लॉकर रूम्स होते हैं, टॉयलेट्स हैं, ओके, जो कॉमन एरियाज हैं, तो वहाँ पर बात की गई है कि इनकी सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है कि हर 2 घंटे के बाद यहाँ पर जो है जो केमिकल्स ज़रूरी हैं, जो फिनाइल्स वगैरह हैं, उससे यहाँ पर सफाई की जानी चाहिए अगर हम वर्क प्लेसेस को रीओपन कर रहे हैं। आगे बात की गई है जो हैंड वॉश स्टेशंस हैं जहाँ पर हम हाथ धोने जाते हैं, तो यहाँ पर भी फ्रिक्वेंट इंटरवल्स में जो है जो हैंड सैनिटाइजेशन है इसको इनक्रेज करना चाहिए कि बार बार लोग हाथ धोएं, सैनिटाइज करें हाथों को। जो वर्क प्लेस की कंटीन्स हैं वहाँ पर एक टाइमिंग्स का शेड्यूल बनाना चाहिए जिसके कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो ध्यान में रखी जाए और जो सैनिटाइजेशन का प्रोसेस है वो जारी रहे और जो प्लेट्स वगैरह वहाँ पर यूज़ की जाएंगी वो भी अच्छे से सैनिटाइज्ड हों। और जो वर्क प्लेसेस हैं जहाँ पर लगता है कि जो प्लेस है बहुत कंजस्टेड है तो वहाँ पर ऐसी प्लेसेस को जो है वहाँ पर पार्टीशन कर दी जाइए, कर देनी चाहिए ताकि कि जो फिजिकल डिस्टेंस है इसको जो है हम बना के चलें, मेंटेन करके चलें और जो COVID-19 है उसका स्प्रेड हम रोकें। आगे बात की गई है कि अगर हम कंसर्न की बात करें तो अभी रिसेंटली WHO ने बताया है कि ये जो COVID-19 है ये जो है एयरबोर्न ट्रांसमिशन करता है, मतलब हवा में ये फैल सकता है और ज़्यादा चांसेस इसके हवा में फैलने के वहाँ पर हैं जहाँ पर कोई भी क्लोज स्पेस है, जहाँ कोई बंद कमरा है, जहाँ पर कोई बड़ी स्पेस है लेकिन वो चारों तरफ से बंद है, मींस जहाँ पर फ्रेश एयर जो है पास नहीं हो पा रही है, ऐसी जगहों पर जो है COVID-19 फैलने का ज़्यादा खतरा है, ओके। तो आगे यहाँ पर बात की गई है तो अगर हम इस सिचुएशन को हमें निपटना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करनी चाहिए कि साफ और जो स्वच्छ हवा वर्कप्लेस के अंदर एंटर करे और जो है जो ख़राब हवा है वो बाहर जाती जाए, तो अच्छे से जो है वेंटिलेशन हो बिल्डिंग्स में जहाँ पर जो वर्कप्लेस बनाया जाए, ओके, जहाँ पर वर्कर काम करें, और जो कैंटीन्स हैं टॉयलेट्स हैं यहाँ पर भी जो है अच्छे से यहाँ पर वेंटिलेशन की बात की गई है। और आके यहाँ पर बात बोलेगी HVAC मींस हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इन तीनों चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा यहाँ पर, जो इनको जो जो चीज़ें चाहिए इनकी जो मेंटेनेंस है इनको हमें बकायदा ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई ख़राबी ना आए जिससे कि जो फ्रेश एयर है वो आनी बंद हो जाए और जो COVID-19 है वो स्प्रेड हो जाए। आगे और बात बोली गई है कि जो लोग ऑफिस में जाते हैं, ठीक है, जहाँ फिर कहीं पर भी विजिट करते हैं तो वहाँ पर बात की गई है कि वो अगर ट्रैवल करते हैं तो उनको अपने प्राइवेट व्हीकल से ट्रैवल करना चाहिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं जैसे बस या ट्रेन, ठीक है, तो अपने ऑफिस तक पहुँचने के लिए तो वो एक रिस्की ऑब्जेक्ट है क्योंकि गवर्नमेंट ने तो रेवेन्यू इकट्ठा करना है तो उन्होंने बसेस ट्रांसपोर्ट खोल दी है, ओके, तो जिससे कि आप देख सकते हैं बहुत सारी स्टेट्स में कोई भी किसी भी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म जो है फॉलो नहीं हो रहा, खास तौर पे बसेस में, क्योंकि जो गवर्नमेंट बसेस हैं या प्राइवेट बसेस हैं वो लॉस नहीं खाना चाहती। अगर हम वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हैं तो बहुत कम सीट्स बचती हैं जिनके अकॉर्डिंग उनको रेवेन्यू आता है। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम अवॉइड करें, अपने व्हीकल्स हैं तो उनको हम साथ लेकर चलें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और जो कंपनीज जो है जो बसेस अफोर्ड कर सकती हैं अपनी प्राइवेट बसेस तो वो शटल बसेस लगाएं ताकि जो कि अपने वर्कर्स को घर से उठाएं और वापस जब उनका वर्क हो जाए तो घर पे वापस छोड़ दें। तो उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डॉर्मेटरीज में स्टे नहीं देना चाहिए, ख़ास तौर पे ऐसी जगह पर एम्प्लॉयज़ ना जाएं जहां पर उनको लगता है कि इन्फेक्शन के हॉटस्पॉट हैं, क्योंकि अगर वो वहां जाएंगे फिर वापस वर्क प्लेस पर आएंगे तो इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा ज़्यादा है। एक हेल्थ केयर क्वेश्चनर जो है वो होना चाहिए वर्क प्लेसेस में जो कि वर्कर्स के जो सिम्टम्स हैं जैसे फीवर है, सोर थ्रोट है, या सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही है, या कफ है, या किसी भी तरह का उनको रिसेंटली स्मेल और टेस्ट करने में कोई उनको परेशानी आ रही है,
तो ऐसी सब सिचुएशंस को जो वो ध्यान में रखकर चले, जैसे मसल पेन अचानक से उठी है, ओके, तो इन सब चीज़ों की एम्प्लॉयज़ के बारे में, एम्प्लॉयज़ के अगर अंदर ऐसे कोई लक्षण पाए जाते हैं तो वहाँ पर जो हेल्थ केयर क्वेश्चनर है, ओके, या हेल्थ केयर कोई भी वहाँ पर वर्कर है, तो उन उसको इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना होगा वर्कर्स के, कि अगर वहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, कुछ सिम्टम्स देखते हैं, तो वो जल्दी से एक्शन लें, ताँ जो कि आगे से और ज़्यादा वो ना फैले। आगे और बात की गई है कि अगर वहाँ पर कोई नया व्यक्ति एंटर करता है वर्क प्लेस में, तो उसकी अच्छे से थर्मल स्क्रीनिंग हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर कपड़े का शोरूम है तो वहाँ पर कोई बाहर से जा रहा है, ओके, तो वहाँ पर जो इंटरनल वर्कर्स हैं उनका तो ध्यान रखा ही गया है। अगर कोई बाहर से अंदर एंटर करता है तो उसकी भी थर्मल स्क्रीनिंग करने की यहाँ पर बात की गई है, ताँ जो कि उसका फीवर डिटेक्ट हो सके। और आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कोशिश करनी होगी कि जो उसके उनके एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनको कोई सीरियस इश्यूज़ है, जैसे COVID-19 के अलावा अगर कोई इश्यूज़ से पहले से ही वो किसी इश्यू को फेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई उनको हेल्थ वाइज कोई कमी है या कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल कोई डायबिटीज़ है, ओके, या सीरियस हार्ट कंडीशंस ने, जब मोटापा ज़्यादा है, किडनी का कोई डिजीज़ है, ओके, या कैंसर है, तो ऐसी हाइपरटेंशन है, ऐसी कोई भी अगर उनके किसी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम है, तो उनको अवॉइड करें कि वो उनको वर्क प्लेस पे ना आने दें, क्योंकि अगर उनको COVID-19 होता है तो ऐसी सिचुएशन में जो है बचने के चांसेस बहुत कम है। रिसेंटली मैंने भी एक केस सुना था जहाँ पर एक पत्रकार थे, बहुत ही जाने माने पत्रकार थे, उनकी किडनी की प्रॉब्लम थी पहले ही, ओके, तो ऊपर से उनको COVID-19 हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो इन चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंटली ध्यान में रख के चलना पड़ेगा अगर हमने इंडस्ट्री को दोबारा से रिवाइव करना है, अनलॉक करना है। तो आगे बात बोली गई है कि ऑथर की तरफ से कि एडवाइस दी जाती है जो प्रेग्नेंट वूमेन है, ओके, उनको भी जो है घर से ही काम करना चाहिए, ओके, वही उनके लिए अच्छा होगा। और जो वर्कर्स हैं उनको भी जो उनकी कंडीशंस हैं, ओके, जैसे उनकी जो फिजिकल कंडीशंस हैं, उनको ध्यान रखना होगा कि जब वो वर्क प्लेसेस पे आते हैं, जब उससे घर पे जाते हैं, तो उनको उनको कोई चेंजेस महसूस तो नहीं हो रही, ओके। उसके बाद अगर हम उन एम्प्लॉयज़ को एक नॉर्मल फ्लू वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है, अच्छी प्रैक्टिस होगी, ओके। सो उसके आगे ये बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की, मतलब कि अगर उनका कोई एम्प्लॉय कोविड पॉजिटिव आ जाता है, ओके, तो उस एम्प्लॉय के साथ जिस जो जो भी रिसेंटली मिले हैं, ओके, जिनका कांटेक्ट हुआ है, तो उन सबको जो है क्वारंटीन करना चाहिए, ओके, उन सभी को जो है होम आइसोलेशन में रख देना चाहिए, जिन जिन से भी उस COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट का जो है मेल जोल हुआ है रिसेंटली दिनों में, ओके। तो इसको यहाँ पर RT-PCR बोला गया है, सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ओके, तो RT-PCR। तो यहाँ पर जो कंपनी है, ओके, उसके जो हेल्थ सेंटर्स हैं, तो वो प्रॉपरली इक्विप्ड होने चाहिए, जैसे ऑक्सीमीटर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स वहाँ पर होने चाहिए, एम्बुलेंस जो है वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए, ताँ जो कि अगर उनको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल्स में, तो वो जल्दी से टाइमली जो है उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। उसके बाद जो टेली मेडिसिन है, ओके, तो उसकी भी जो अवेलेबिलिटी जो है वहाँ पर होनी चाहिए वर्क प्लेस पे, ताँ जो कि वो एम्प्लॉयज़ को एमरजेंसी सिचुएशन में प्रोवाइड की जाए। उसके आगे बात की गई है कि देर इज मच इंटरेस्ट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ एंटीबॉडी टेस्टिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव वर्क प्लेस रिटर्नीस। कहने का मतलब कि जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो बंदे COVID-19 से अफेक्ट होकर उससे वापस रिकवर कर चुके हैं, तो उनके अंदर जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, उनको भी आजकल जो है जो दूसरे पेशेंट्स हैं जिनको COVID-19 हुआ है, उसके अंदर वो एंटीबॉडीज इंजेक्ट की जा रही हैं, ओके, जिसको हम प्लाज्मा थेरेपी भी बोलते हैं, कि जिससे कि जो जो बंदा जिसकी इम्यूनिटी वीक है वो भी जो है COVID-19 से रिकवर कर पाए। तो यहाँ पर इस चीज़ की भी यहाँ पर बात की गई है, ओके। सो आगे यहाँ पर बात बोली है द मेरिट्स ऑफ कंडक्टिंग ए स्टैंडर्ड RT-PCR टेस्ट बिफोर कमिंग बैक टू वर्क इज ऑल्सो नॉट ए फेल सेफ मेथड, ओके। अगर हम बात कर रहे हैं कि जो RT-PCR मेथड है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का जो मेथड है,
अगर कोई वर्कर जो है वापस अपने वर्क पर वापस आ रहा है, तो अगर हम इस मेथड की बात करें तो ये भी एक फेल सेफ मेथड नहीं है. ओके, सिंस इट वुड ओनली ऑफर ए वन टाइम स्टेटस, सिर्फ एक ही बार में बताता है कि अगर कोई बंदा COVID-19 का पॉजिटिव पाया गया है, ओके, सो उसकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई है, तो उसके अगर हम बंदे सभी को आइसोलेट कर भी देते हैं, तो इसके भी कोई श्योरिटी नहीं है कि सारे बंदे हमने आइसोलेट कर दिए हैं जिनके साथ उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हुई है. ओके, और जो आगे बंदे जो फर्दर जो आइसोलेट किए गए हैं, अगर फर्दर और दोबारा वर्क पे निकलते हैं, ओके, तो दोबारा अगर कोई निकलता है कोविड पॉजिटिव, तो ये इस चीज़ की भी कोई श्योरिटी नहीं है कि जिन जिनके साथ उसके कॉन्टैक्ट हुए हैं उनको सभी को जो है ट्रेस कर लिया गया है. ओके, सो लास्ट में यहाँ पर यही बात बोली गई है, अगर RT-PCR मेथड, ओके, इसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी जो है इन्फेक्शन आने वाले समय में कम हो सकती हैं. ओके, लास्ट में यहाँ पर बात बोली गई है, हैज द नीड फॉर रोबस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एट वर्क प्लेस फॉर वर्क सेफली अलॉन्ग साइड द COVID-19 वायरस. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऐसा प्रोटोकॉल बना के चलें वर्क प्लेस के अंदर, एक ऐसा शेड्यूल, एक ऐसा क्राइटेरिया बनाएं. ओके, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था, जहाँ जहाँ पर हम जनरली या नेचुरली टच कर लेते हैं, ओके, तो उन सब चीज़ों को अच्छे से सैनिटाइज किया जाए, और जो इंडिविजुअल जो वर्कर्स हैं उनको भी इंस्ट्रक्ट किया जाए कि वो जो बाहर का कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको टच ना करें. ओके, सो ये था COVID-19 वायरस का जो इम्पैक्ट है जो वर्क प्लेसेस के ऊपर, और जो वर्क प्लेसेस को हम दोबारा कैसे रीओपन करें, क्योंकि रीओपन करना भी बहुत ज़रूरी है. अगर इकोनॉमी ऐसे ही चलती गई कि इकोनॉमी का कुछ हिस्सा ओपन है और कुछ हिस्सा बंद है, तो इससे एक तरह का इनबैलेंस बनना शुरू हो जाएगा. ठीक, ओके, हर एक को जॉब नहीं मिलेगी. ओके, जब काम नहीं मिलेगा तो उसका घर नहीं चल पाएगा, और गवर्नमेंट के पास भी इतना फंड नहीं है कि वो पूरी पॉपुलेशन को जो है बार बार जो है जो फूड पैकेजेस हैं वो प्रोवाइड कर सके. गवर्नमेंट को भी जो है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, इन सभी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ से लोन लेना पड़ रहा है, यहीं से लोन लेके वो जो है आगे COVID-19 के रिगार्डिंग जो स्कीम्स चल रही हैं वहाँ पर पैसे लगा रहे हैं. तो फिलहाल लास्ट में तो मैं यही बात कहूँगा इस आर्टिकल के कि हमें अपनी सेफ्टी खुद ही देखनी होगी, अपनी प्रोटेक्शन हमें खुद ही करनी होगी. अगर हम खुद की प्रोटेक्शन करेंगे तो हमारी सोसाइटी की प्रोटेक्शन हो जाएगी, अगर हमारी सोसाइटी की प्रोटेक्शन हो गई तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी, ओके, डिस्ट्रिक्ट की प्रोटेक्शन होगी तो हमारे स्टेट की, हमारे देश की, सभी की प्रोटेक्शन जो है हो जाएगी. ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं. सो ये जो आर्टिकल है ये है हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि हम अपने हेल्थ केयर को कैसे जो है सही कर सकते हैं. ओके, तो इसको भी यहाँ पर अभी डिजिटलाइज करने की बात की गई है. तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो ऑथर है बात कर रहे हैं कि जो मुकेश अंबानी है, जो इंडिया के रिचेस्ट मैन है, सिर्फ उनका ही ये सपना नहीं है कि जो भारत है आने वाले समय में डिजिटली ग्रो करे. ओके, एक डिजिटल ड्रीम जो है उनका. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी जो है डिजिटल ड्राइव जो चला रही है वो भी इसी सपने के ऊपर काम कर रही है. तो यहाँ पर जो डिजिटल ड्राइव है, यहाँ पर एक लेटेस्ट प्रपोजल आया है, ओके, जिसमें नेशनल इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो रखने की बात की जा रही है जितने भी रेजिडेंट है कंट्री के. ओके, सो यहाँ पर नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट के द्वारा जो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जिसमें सभी जो हमारे देश के देशवासी हैं उनका हेल्थ के बारे में रिकॉर्ड होगा कि हर एक देशवासी जो है वो कितना हेल्दी है, अगर कोई हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, तो उसको कौन कौन सी बीमारियां हैं. ओके, तो पूरी इकोनॉमी में, पूरी कंट्री में कौन सी बीमारी जो है ज़्यादा प्रेवलेंट है, ओके, किसका इलाज जो है जल्दी हो पा रहा है, तो इन सभी बातों का यहाँ पर जो है एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा आने वाले समय में. ओके, तो इस मिशन को जो नाम दिया गया है वो है मेकिंग इंडिया ए डिजिटल हेल्थ नेशन. ओके, सो देखिए, जैसे अभी रिसेंटली काफ़ी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी, जैसे आयुष्मान भारत, जिसमें कि आपको 5 लाख तक का जो है आपको पैसे मिलेंगे, आप अपना इलाज करवा सकते हैं किसी भी सरकारी या प्राइवेट अदारे से. ओके, तो जो भी आपकी फीस बनेगी वो इसी आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो पैसे आएंगे उसमें से वो फीस कट हो जाएगी.
तो ऐसे ही पूरा रिकॉर्ड जो है रखा जाएगा भारत सरकार की तरफ से आने वाले समय में। ओके, तो आगे यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर मुश्किल क्या आ रही है, तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो हेल्थ है वो एक फिजिकल स्टेट है। ओके, अगर हम सारे रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करते भी हैं, ओके, नया स्टैक बनाते हैं, ओके, इससे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। अगर हम पूरा रिकॉर्ड कर भी लेते हैं, इससे हमारा देश जो है हेल्दियर नहीं होने वाला है। ओके, देखिए यहाँ पर सीधी सीधी बात की गई है कि अगर हम क्लास में अटेंडेंस ले रहे हैं तो एक रजिस्टर बना के अगर हम ये बात बोल दें कि हमारे जो क्लास के सारे बच्चे हैं वो अच्छी तरह से जो है लर्न कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस लगने की वजह से, तो वो मुमकिन नहीं है। तो क्या करना होगा हमें, हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, हेल्थ केयर डिलीवरी है, जो हेल्थ केयर में हम स्पेंड करते हैं, ओके, उसके ऊपर फोकस करना होगा, तभी जो है हम एक हेल्दियर नेशन बन पाएंगे। लेकिन अगर दूसरी ओर हम डाटा रखने की बात करें तो वो भी ज़रूरी है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी जो बीमारी प्रेवलेंट है, और गवर्नमेंट को जो है आसानी होगी पॉलिसी बनाने के लिए और अपने फंड रिलीज करने के लिए कि कौन सी बीमारी के ऊपर ज़्यादा पैसे हम लगाएं। आगे जो यहाँ पर बात की गई है कि इट्स नो सीक्रेट डैट इंडियाज हेल्थ केयर सर्विस मिरर द डीप इनइक्वालिटी। तो हमें सबको पता है कि यहाँ पर जो है रिच और पुअर का जो डिवाइड है बहुत ज़्यादा है, बहुत गहराई वाली जो है इनइक्वालिटी है, खासतौर पे जो हेल्थ केयर सर्विसेज हमें मिलती हैं सारी पॉपुलेशन को, सबको जो है इक्वालिटी के लेवल पर जो है जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए वो नहीं होती हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आगे बात की गई है कि अगर कोई मिनिस्टर या कोई होम मिनिस्टर या कोई स्टेट मिनिस्टर अगर वो COVID-19 से अफेक्ट होता है, मोस्टली प्रेफर करते हैं जो उनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, उनसे वो ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल पॉपुलेशन में कोई नॉर्मल इंसान, कोई नॉर्मल सिटीजन अफेक्टेड होता है, तो उसको पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स की ओर ही जाना पड़ता है, जैसी भी सिचुएशंस होती हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका इलाज होता है। और अगर कोई नॉर्मल इंसान किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाता है इलाज करने के लिए, तो वहाँ पर भी जो है उसको ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि हमारा हेल्थ केयर सर्विसेज का जो सिस्टम है वो इतना सही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर और आगे बात बोली गई है कि दैट स्टिल डजंट गारंटी दैट एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर ऑल थ्रू इट्स ए श्योर शॉर्ट वे टू बी पॉपराइज बाय द कॉस्ट। ये भी इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप टॉप के किसी हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पर अगर आपको क्वालिटी मिलती है, ओके, तो आप इस चीज़ को आप विश्वास करके चलें कि आप जितना पैसा लगाएंगे उतने ही आपको क्वालिटी मिल जाएगी, अच्छी सर्विसेज मिल जाएंगी। ये भी जो है इतना सही नहीं है जितना कि हम समझ रहे हैं इस समय में। ओके, सो यहाँ पर आगे बात बोली गई है हमारे जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर अगर हम ये बोलें कि यहाँ पर क्वालिटी नहीं मिलती है, यहाँ पर अच्छी सर्विसेज नहीं मिलती हैं, लोग यहाँ पर दुखी होके जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, जो पर्याप्त मशीनें चाहिए, नॉर्मल जो भी बीमारियाँ आती हैं वो मशीनें वहाँ पर उपलब्ध हैं, जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पर वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो हैं अवेलेबल हैं, जो हमारे पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ओके, कुछ लेवल तक जो है फ्री दवाइयाँ भी वहाँ पर अवेलेबल हैं सरकार की तरफ से। ओके, तो ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स में। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है? दिक्कत आती है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन हो चुकी है, लेकिन उसके हिसाब से जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत कम है। ओके, और बहुत कम है इसीलिए अगर कोई 10 लाख की पॉपुलेशन है तो उनको एक या दो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जो है मिलते हैं। तो आगे डिस्कस करते हैं इसी आर्टिकल कि अगर हम COVID-19 की बात करें तो जितने भी हमारे पब्लिक अदारे थे, ओके, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है COVID-19 के टेस्टिंग के बारे में। ओके, बहुत ज़्यादा फोकस अपनी जी जान लगा के हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन्होंने काम किया है अपनी जान की परवाह किए बिना। तो यहाँ पर बात की गई है कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं वो भी जो है क्वालिटी देते हैं, वो भी जो है आगे आके काम करते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर ऑथर ने बात की है।
तो आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी, उनका भी जो पब्लिक हेल्थ केयर है वो भी इतने अच्छे से काम नहीं कर पाया जो रिसेंट महीने बीते हैं कोविड-19 के अफेक्ट के चलते, जितने अच्छे से हमारे यहाँ काम किया गया है हेल्थ वर्कर्स के द्वारा। तो यहाँ पर यूएस के सिस्टम की के बारे में बात की गई है कि वो भी जो है एक तरह का कोलैप्स हो चुका है जो उनका हेल्थ केयर सिस्टम है। ओके, तो वहाँ पर भी मोस्टली यही बात हो रही है यूएस में। यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर वहाँ पर कोई किसी को कोविड-19 होता है, अगर वो हॉस्पिटल में जाता है कि मुझे टेस्ट करिए, तो उसका टेस्ट तो वहीं गाड़ी के अंदर ही उसका टेस्ट कर दिया जाता है और उसको यही बात बोल दी जाती है कि आप अपने घर में वापस चले जाइए। ओके, अगर वो पॉजिटिव निकलते हैं तब भी। तो आगे यहाँ पर बात की गई है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी पैंडेमिक्स ने काफ़ी जो था जबरदस्त कहर मचाया था। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ गरीब लोगों की हम बात ना करें, जो अमीर भी थे जिनके पास पैसा भी था, ओके, तो उन्होंने भी बहुत तगड़ा स्ट्रगल किया है कि उनको अच्छी और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस मिल पाए कोविड-19 के चलते, जो भी कोविड-19 से अफेक्ट थे। ओके, सो आगे यहाँ पर और बात की गई है। ओके, विद मैनी टर्न्ड अवे फ्रॉम हॉस्पिटल्स टू फुल टू कॉप। ओके, यहाँ पर फिर आगे पॉलिटिशियंस की बात की गई है। तो अभी रिसेंटली हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर है उनको भी कोविड-19 हुआ है। ओके, तो वो भी अभी जेरे इलाज चल रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। ओके, तो यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स की बात की गई है जो प्राइवेट हॉस्पिटल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो वहाँ पर जो है मोस्टली जो मिनिस्टर्स वगैरह जाना प्रेफर करते हैं, बजाय कि उनको चाहिए कि वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको भी पब्लिक सेक्टर जो हॉस्पिटल है वहीं से इलाज करवाना चाहिए, लेकिन वो अवॉइड करते हैं स्टेट फंडेड हॉस्पिटल्स में जाना, वहां से अपना इलाज करवाना। तो यहां से भी एक सिग्नल मिलता है हम आम लोगों को कि जो हमारा जो सिस्टम है वो इतना सही नहीं है, अभी बहुत ज़रूरत है इसको सही करने की, अभी बहुत ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है हॉस्पिटल्स खोले जाएँ, क्वालिटी जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करें, ऐसे हॉस्पिटल्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा ओपन हो भारत में। तो यहाँ पर और एक बात बोली गई है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमें स्टेट के रिलेटेड ही हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, अभी जो ज़रूरत है हेल्थ केयर सर्विसेज की, तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, इन दोनों को मिलकर आगे आना पड़ेगा, तभी जाकर जो है हमारी जो पॉपुलेशन है उसको हम बेनिफिट दे पाएंगे। ओके, सो आगे यहाँ पर और बात की गई है, जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो खुद बोल रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट आ चुकी हैं, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिस्ट्री की अगर बात करें तो हेल्थ केयर के ऊपर अटेंशन नहीं दी है। ओके, ज़्यादा अटेंशन नहीं दी है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है हेल्थ केयर के ऊपर, तो अभी जो सेंटर का बजट है तो वहाँ पर जो एस्टिमेशन बताया गया है वो 0.31% ऑफ GDP जो फिस्कल ईयर 2021। तो आप देख सकते हैं कि 0.5% से भी नीचे का इन्वेस्टमेंट है, जो GDP का जो 0.5% है उससे भी नीचे का इन्वेस्टमेंट है हेल्थ केयर सर्विसेज में, तो कितना कम इन्वेस्टमेंट है। ओके, हालांकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने एजुकेशन जो सेक्टर में बात की गई है कि 6% ऑफ GDP वो इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हेल्थ केयर में भी 3-4% ऑफ GDP की इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर हम अपनी पॉपुलेशन को बचा कर रखना चाहते हैं, अपनी पॉपुलेशन को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं जो एक महीने का बड़ी मुश्किल से जो 5-6 या 10 हज़ार कमाते हैं, अगर उनको भी कोई बीमारी लगती है तो उनका सारा का सारा पैसा अजाई वेस्ट ना हो जाए, अगर हम चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है GDP की ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज जो है वो हमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी आने वाले सालों में। ओके, सो आगे बात करते हैं कि 2018 में जो लैंसेट एक जर्नल है उसकी जो स्टडी आई थी उसमें एस्टिमेशन में बताया गया था कि 1 मिलियन इंडियंस जो है हर साल मर जाते हैं क्योंकि उनको पुअर हेल्थ केयर सर्विस मिलती है। ओके, तो आगे अगर बात करें हम डॉक्टर और पेशेंट्स की रेशो की, तो एक डॉक्टर के पीछे जो है 1445 जो पेशेंट्स हैं वो आते हैं इंडिया में। ओके, जो कि बहुत कम है, जो कि WHO द्वारा रिकमेंड की गई गाइडलाइन से उसके अनुसार। सो इवन द
प्रोलिफरेशन ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ओके, अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी ऐड करें, क्लिनिक्स को भी ऐड करें, तब भी जो है हमें हेल्प नहीं मिल रही है कि हम जो ये गैप है, जो कि बहुत ज़्यादा गैप है डॉक्टर टू पेशेंट्स रेशो का, इसको हम कम कर पाएँ और जो क्वालिटी केयर है वो उसको हम प्रोवाइड कर पाएँ। आगे यहाँ पर बात की गई है कि इंडिया को चाहिए कि वो प्रायोरिटाइज करे कि जो उसके स्टैंडर्ड अफोर्डेबल हेल्थ केयर है, ओके, उसको प्रायोरिटाइज करे, एक नीति बनाए, एक लिस्ट बनाए, किस सेक्टर के ऊपर पहले काम करना है, किस सेक्टर के ऊपर बाद में काम करना है, किस सेक्टर के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ओके, हेल्थ केयर सेक्टर के अंडर की मैं बात कर रहा हूँ। और आगे यहाँ पर बात की गई है, इफ इट इज टू पुट द कंट्री ऑन ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ट्रैक, अगर हमें सही तरीके से इकोनॉमी को भी देखकर चलना है कि इकोनॉमी में डिसबैलेंस भी ना बने, ओके, और पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, लोगों को हेल्थ केयर सर्विस भी मिल जाए, तो इसके लिए हमें जो है हमारी सर्विसेज जो हैं अफोर्डेबल सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं उनको प्रायोरिटाइज करना होगा, ओके। आगे यहाँ पर बात की गई द सस्टेनेबल एंड मीनिंगफुल ग्रोथ, ओके, अगर हम सस्टेनेबल और मीनिंगफुल ग्रोथ चाहते हैं, ओके, इट्स नॉट गोइंग टू कम फ्रॉम मेक इन इंडिया स्कीम्स, तो ऐसी जो मेक इन इंडिया जैसी स्कीम्स हैं इसकी वजह से, इसकी थ्रू से हमें ग्रोथ मिलने वाली नहीं है, हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं, और ना ही जो स्नेजी डिजिटाइजेशन ब्लूप्रिंट्स है अकेले उनके दम पर, ओके, जैसे रिसेंटली अभी सब कुछ डिजिटाइज हो रहा है, अगर आपने कोई मनी ली ट्रांजैक्शन करनी है तो वो डिजिटली ट्रांजैक्शन हो रही है, अगर कोई चीज़ आपने परचेज करनी है तो वो डिजिटली आप परचेज कर पा रहे हैं, ओके, तो इन सब चीज़ों की यहाँ पर बात की गई है, सिर्फ मेक इन इंडिया और जो डिजिटाइजेशन की स्कीम्स हैं सिर्फ इनके दम पर हम इकोनॉमी को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर बात बोली गई है कि दे हैव देयर प्लेस, उनकी अपनी जगह है, ओके, लेकिन बट इट्स ऑन द पेरिफेरी, ओके, इंडिया नीड्स टू फिक्स इट्स बैकबोन, ये सब कुछ, सब जो चीज़ें मैंने अभी बात की हैं मेक इन इंडिया के बारे में, ओके, जहाँ डिजिटाइजेशन के बारे में, ये अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि हम जो अपनी बैकबोन है उसकी ज़रूरतों को फिक्स करें, ओके, सो हमारी बैकबोन क्या है, जो हमें, हम जो क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ओके, और दूसरा जो है बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे अपने देश की पॉपुलेशन को, ये सबसे ज़रूरी है किसी भी देश को ग्रो करने के लिए। देखो, अगर कोई बच्चा ढंग की एजुकेशन ही नहीं ले पाया, ओके, क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस ही उसको टाइम पे नहीं मिल पाई, अगर किसी बच्चे को आंखों से कम दिखता है, ओके, या फिजिकली थोड़ा सा हैंडीकैप है, कोई भी किसी भी तरह की उसको इंटरनल प्रॉब्लम है, तो टाइमली अगर उसको इलाज नहीं मिल पाया और टाइमली अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई, ओके, ये दो अलग अलग सेक्टर हो गए, एक हेल्थ केयर सेक्टर और एक एजुकेशन सेक्टर, तो दोनों की दोनों अगर हम सही नहीं दे पाए अपनी पॉपुलेशन को, तो आने वाले समय में जो हमारी जनरेशन जो हमारे देश को लीड करेगी तो उसके अंदर काफ़ी खामियां रह जाएंगी, ओके, तो इन चीज़ों को हमें साथ में डिस्कस करके चलना है, फिक्स करके चलना है जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ इस सेक्टर्स में आ रही हैं। तो यहाँ पर आगे बात की गई है कि जो मैकिन्सी की जो रिपोर्ट आई है जुलाई 2020 में, तो यहाँ पर उन्होंने प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ, ओके, प्रिस्क्रिप्शन फॉर प्रॉस्पेरिटी, ये टाइटल है रिपोर्ट का, तो यहाँ पर बात की गई है कि स्टेट्स इम्प्रूविंग हेल्थ कुड आल्सो हेल्प नैरो हेल्थ डिस्पैरिटीज विद इन कंट्रीज एंड अक्रॉस कंट्रीज, अगर हम हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं तो उसकी वजह से जो दो कंट्रीज में आपस में जो डिस्पैरिटीज हैं, हेल्थ डिस्पैरिटीज हैं, वो कम हो सकती हैं, ओके, और इम्प्रूव हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर और आगे बात की गई है कि फोकसिंग ऑन नॉन हेल्थ इम्प्रूवमेंट्स को डिलीवर एन इंक्रीमेंटल इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ $2 to $4 फॉर ईच $1 इन्वेस्टेड, ओके, जो आज हम $1 इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले समय में हमें $2 to $4 का प्रॉफिट ही मिलेगा अगर हम सही ढंग से हेल्थ केयर को जो है इम्प्रूव करके आगे बढ़ते हैं। तो आगे ऑथर ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि अगर हम पैसे लगाते हैं सोसाइटी के ऊपर ऐसे ही तो ये हमारा एक फजूल खर्चा हो जाएगा, इससे हमें वापस कोई रिटर्न मिलने वाला नहीं है, जिससे कोई इकोनॉमिकली कोई बेनिफिट देश को होने वाला नहीं है, तो इन सब चीज़ों को सोचना बंद कर देना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है पब्लिक हेल्थ के ऊपर फंडिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, स्पेंडिंग करनी चाहिए, ताकि जो कि हमारा हेल्थ केयर सेक्टर जो है वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं वो इम्प्रूव हो, इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ केयर का वो इम्प्रूव हो,
ओके तो और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी बुलाना चाहिए कि वो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करे। ओके जिस सेक्टर में जैसे कि स्टैंडर्डाइज अफोर्डेबल हेल्थ केयर, जहाँ पर प्राइवेट पार्टनरशिप प्राइवेट सेक्टर जो है अफोर्ड कर सकता है, उन सभी सेक्टर्स में हेल्थ केयर के अंदर जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि पार्टनरशिप करके जो है इन्वेस्टमेंट की जाए हेल्थ केयर सेक्टर में, ताजो कि जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उनको बेनिफिट मिले। ओके तो आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो भी इनोवेशन हम करना चाहते हैं उसमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमें लो कॉस्ट मॉडल जो है तैयार करने हैं, जिससे कि जो है कोई भी डिजीज अगर फैल रहा है, किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई नया डिजीज जो है अगर उसके सिम्टम्स पाए गए हैं तो उसको अर्ली स्टेज में ही जो हम स्पॉट कर लें, ताजो कि आने वाले समय में उसके ऊपर जो खर्चा होगा वो कम हो, और जो हेल्थ है किसी भी इंसान की वो अच्छे से आगे बढ़े। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें यहाँ पे फोकस करना होगा, लो कॉस्ट मॉडल्स तैयार करने होंगे, कम से कम खर्चा आए। कम से कम खर्चा तभी आ सकता है जब हम किसी भी डिजीज को अर्ली स्टेज के ऊपर जो है हम स्पॉट कर लें। तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है, जो हम इंडिविजुअल्स हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या, जो सिटीजन्स हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर उनको कोई भी वीकनेस अपनी बॉडी में फील होती है, किसी भी तरह की नई एक्टिविटी अपने बॉडी में उनको फील होती है, तो उनको जो है डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, खास तौर पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं उनसे। तो यहाँ पर मैं आपको सलाह भी देना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप किसी भी ऐसे डॉक्टर या प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ पर विजिट मत करें। आप कोशिश करें कि आपके एरिया का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर जाएं, वहाँ पर आपकी केयर अच्छे से हो सकती है। जो वो दवाइयाँ आपको रिकमेंड करें उनको आप लें। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि जैसे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, जब पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड हो गया, जब सोलर पावर्ड मेडिकल स्टरलाइजर्स हैं, इन सब की जो है ज़रूरत है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सरकार को। आगे यहाँ पर यही बात बोली गई है कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि वो हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हों उसको वो प्रोवाइड कर पाए। और जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हों उनकी जो है उनके ऊपर मॉनिटरिंग भी वो करे कि वो काम कैसा चल रहा है। अगर कोई नई उन्होंने लैब सेटअप की है या कोई नई मशीनरी लगाई है तो उसका क्या उपयोग हो रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी इनको फोकस करना होगा। तो यहाँ पर लास्ट में यही बात बोली गई है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सरकार के पास COVID-19 के चलते, कि वो दोबारा से रीबूट करे, रीप्रायोरिटाइज करे, पूरे सेक्टर को, हेल्थ केयर सेक्टर को, ताजो कि आने वाले समय में जो भी कमियां हैं हम उनको निकाल पाएं और हेल्थ केयर सेक्टर में हमारा फोकस ये हो कि हमारा नेशन जो है वो हेल्दियर हो। एक हेल्दियर नेशन होगा तभी हम दुनिया को बता पाएंगे कि हाँ, हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हालांकि COVID-19 के चलते बहुत अच्छे से हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपनी सेवा निभाई है, तो वो जो है बधाई के पात्र हैं। और उनको हम सल्यूट करते हैं जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर देश की सेवा की है। ये था पार्ट सेकेंड द आज के द इकोनॉमिक टाइम एडिटोरियल एनालिसिस का। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।